मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काटा। मुख्तार अंसारी को चुनाव नहीं लड़ाएगी बीएसपी। माफिया और गुंडों की जगह बीएसपी में नहीं, किसी भी माफिया गुंडे को टिकट नहीं देंगी माया। भीमराजवर को मऊ से प्रत्याशी बनाया। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी को टिकट काटते हुए किसी भी माफिया और गुंडे को टिकट न देने का ऐलान किया है। वहीं बसपा ने भीम राजभर को मऊ से प्रत्याशी बनाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि मुख्तार अंसारी को बसपा चुनाव नहीं लड़ाएगी। माफिया और गुंडों की जगह बसपा में नहीं है, ऐसी किसी भी माफिया और गुंडे को बसपा टिकट नहीं देगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि मुख्तार अंसारी का बीएसपी के साथ रहने से पार्टी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दरअसल मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा है कि बसपा आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी बाहुबली माफिया को टिकट नहीं देगी। बीएसपी ने मऊ सीट से मुख्तार अंसारी को टिकट काटते हुए भीम राजभर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बसपा ऐसे प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी जिससे सरकार बनाने पर बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही बसपा ने कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया है, लेकिन देखना यह होगा आने वाले चुनाव में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है।